अरे हटो ना यार। अरे ये फोटो फोन वाले ये ट्रायल था। अरे बाजवा टा ओए हेलो बाजवा Thank you.
Thank you.
या या बढ़िया या अरे चल अगर चल अरे अरे यार तू तू पीछे आना तू यार बॉबी अरोड़ा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं सारे फोटोग्राफर्स और मेरे चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सॉरी स्मृति जी भी है जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है, लेकिन वो आज यहाँ पे नहीं आ पाई है, लेकिन उनकी बेस्ट विशेस हमारे साथ स्टेज पे हैं। आशीर्वाद, त्यांचा आशीर्वाद आपल्या बरोबर आहे। अब मैं सारे फोटोग्राफर्स और न्यूज चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब फोटो आपके लिए सामने आ जाए।
कास्ट को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स डायरेक्टर फोटोग्राफर ड्यूप बहुत बहुत स्वागत है आपका म्यूजिक चाहिए मैं थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों मराठा साम्राज्य में आने के बाद मराठमोळी मेजवानी खाए बिना हम नहीं जाने देंगे आपको सगळ्यांनी जेवण घरी जायचं आहे आणि आग्रह करायला मी स्वतः येणार आहे सेलिब्रेशन ला सुरुवात झालेली आहे ऑलरेडी पर अभी मैं चास्टर फॅमिली से रिक्वेस्ट करूंगी की वो मंच पे आ जाए और देखा है बट वो एपिसोड देखने की भी बहुत एक्साइटमेंट है हमने बहुत मेहनत की है पिछले 4 मंथ से हम कर रहे हैं ये शो शूट जिसमें मतलब 2 महीना मेरा ट्रेनिंग हुआ उसके बाद 2 महीने शूटिंग स्टार्ट हो गया यस तो हमारी 4 महीने की मेहनत आज हम देखने वाले हैं जो आप कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप काशीबाई एक स्ट्रॉन्ग थी और इनोसेंट थी नटखट थी और बहुत झगड़ालू भी थी बाजीराव भी झगड़ालू थे मैं नहीं पहले तुम झगड़ती थी नहीं आप और मैं भी रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ बाजीराव के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहिए बाजीराव का कैरेक्टर प्ले करना तो सबसे पहले बहुत प्राउड फील होता है जब आप बाजीराव प्ले करो क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स रह चुके हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स या फिर वॉरियर बोल दो तो उनका कैरेक्टर प्ले करना जितना प्राउड फील होता है उतना ही डिफ़िकल्ट है मुझे बहुत सारे फाइट सिक्वेंस करने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये शो के लिए तो मैंने बहुत सारे वेपन्स चलाना सीखा बहुत कुछ तैयारी की हॉर्स राइडिंग सीखी बट अब सब चीज़ें ऐसे लगती है कि ये होनी चाहिए थी और ये मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ अभी सब कुछ चीज़ें ओके सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ लगी है अभी तक क्या कुछ लगी है चैलेंजिंग पार्ट जब भी आप फाइट सीक्वेंस करो तो मेरा तो यही है कि जब भी कोई फाइट सीक्वेंस में आप जाओ तो पूरा फाइट पहले कोरियोग्राफ करना उसके बाद फाइट सीक्वेंस करना उसमें फिर स्टंट्स होते हैं तो मैं तो डांसर हूँ तो मुझे कुछ फ्लिप्स वगैरह आते हैं और वही फ्लिप का नतीजा है ये तो
सो ये चोट कैसे लगी फिर आपको? ये मैं फाइट सीक्वेंस ही कर रहा था एक्चुअली, ये मेरी फर्स्ट फाइट सीक्वेंस थी और मैं कुछ फ्लिप मार रहा था तो मैं गिर गया एंड मैंने क्रैश मैट नहीं रखा था तो फिर तब से मेरे हाथ में स्प्रिंग ना। आप क्या बताना चाहेंगे सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ है? मुझे संस्कृत और मराठी सीखना थोड़ा मतलब बहुत टफ है बट मैं सीख लेती हूँ। और मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो कैरेक्टर है उसके लिए क्या कुछ और प्लानिंग की है, जिस तरह से आपका ड्रेसिंग है उसके बारे में क्या कुछ? ये घाघरा है और ये बैंगल्स है, ये ज्वेलरी है और ये इयररिंग्स है, ये सब है और ये सब मराठी स्टाइल्स है और ये चंद्रकोट भी मराठी स्टाइल्स है। आप क्या कुछ अपने लुक के बारे में बताना चाहेंगे? मेरा बेसिकली ये लुक है जो मराठी पगड़ी है ये, देन आई हैव टीका जो कोकिनिस्त ब्राह्मण होते हैं उनका टीका होता है ये, और फिर ये मेरी ज्वेलरी है, दिस इज़ अंगरखा, हम इसको अंगरखा बोलते हैं, और उसके नीचे मैंने धोती पहनी है। मैं पहले तो बिल्कुल धोती में अनकंफर्टेबल रहता था बट अब आदत हो गई है तो अब धोती इज लाइक खुली छूट। जब आपको ये कैरेक्टर ये बताया गया और ये जब ऑफर किया गया तो क्या कुछ फर्स्ट आपका रिएक्शन था ये जानना चाहता हूं? मैं पहले तो बहुत नर्वस था, फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला कि हाँ तू कर लेगा अच्छे से ये वो, फिर मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इतना अच्छा कैरेक्टर मिला है जिसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ बाजीराव का, तो फिर मैं बहुत खुश हुआ, फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। आप क्या बताना चाहेंगे जब फर्स्ट आपको ऑफर आया? मैं तो बहुत खुश थी और थोड़ी नर्वस भी थी लेकिन मुझे सब अच्छे से आने लगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने लगा, सबके साथ मेरा बॉन्ड अच्छे से हो गया। ये शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है ये शो के पीछे, इवन पूरी टीम मतलब पूरा प्रोडक्शन, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, सब हर एक इंसान सेट पे बहुत मेहनत कर रहा है रोज़, हम लोग रोज़ 12 घंटे शूट करते हैं और ये अभी आज जो ऑन एयर होने वाला है वो हमारी 4 महीनों की मेहनत है, तो प्लीज़ ज़रूर देखना हमारा शो काशीबाई बाजीराव बल्लाल जी टी वी पे रोज सोमवार से शुक्रवार 8 बजे। आप क्या कुछ बोलेंगे? ये शो बहुत अच्छा है और इसमें सब टीम सपोर्टिव है, जो हमें अच्छे से मतलब संस्कृत वर्ड्स और मराठी वर्ड्स अच्छे से नहीं आते थे तो वो हमें सपोर्ट करते थे, और डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, विक्रम सर है, सब है अच्छे और मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू, शो ज़रूर देखना। शो का नाम आप समझ ही रही हैं क्या है, काशीबाई बाजीराव बल्लाड़, ये बाजीराव की पत्नी का नाम है और हम दोनों ये राधाबाई हैं बाजीराव की माता और मैं बाजीराव का पिता हूँ बालाजी विश्वनाथ, मैं पेशवा था और मेरा जो किरदार है कैरेक्टर वो पेशवा बनता है, और जब बाजीराव 18 साल के थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है और कैसे फिर बाजीराव को पेशवा का पद मिलता है माता की सहायता से, पत्नी की सहायता से, और फिर पेशवा बनने का मतलब ये है एक तरह का प्रधानमंत्री लूजली ट्रांसलेटेड, तो बहुत बाहर रहते थे दुनिया में, उन्होंने 38-40 फाइट लड़ी, बैटल किए और सारे के सारे युद्ध जीते, तो जो आदमी घर पे इतना रहता नहीं था तो उनकी एब्सेंस में कैसे काशीबाई ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, प्रशासन चलाना भी बहुत बड़ा काम होता है, घर तो चलाया प्रशासन चलाया और इतना कुछ किया कि देखिए ना कभी तलवार उठाई ना डंडा, लेकिन आज इतने 100 साल बाद भी लोग उनका नाम लेके सीरियल बना रहे हैं तो लोगों को वही बताना चाहते हैं कि क्या खासियत है। सेम अभी इन्होंने तो पूरा बोल ही दिया है, मुझे लगता है कि कुछ व्यक्ति रेखाएँ इतिहास में हो इसलिए हम लोग एटलीस्ट नाम तो जानते हैं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने क्या कार्य किया है वो हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर टेलीविज़न के माध्यम से ये सारी व्यक्ति रेखाएँ आएँ तो इंस्पिरेशन हो जाता है अभी समाज के लिए कि किस हालत में इन लोगों ने स्ट्रगल किया, कितनी स्ट्रेंथ थी, और हम छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, वो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के शो अगर आएंगे तो
10% तो कुछ ना कुछ मिलेगा लोगों को जो उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको जो ये पकड़ लूं मुझे तू बुरा लग रहा है बेचारी के हाथ तक जाएंगे। मैं झपट पड़ा, मेरे को इन लोगों ने कुछ ऑडिशन वगैरह नहीं लिया था, मुझसे तो कभी मिले भी नहीं थे। मुझे सीधा फ़ोन आया कि ये रोल आपको हमने सिलेक्ट किया है, इस रोल के लिए आप बताओ पैसे कितने लोगे और करोगे कि नहीं करोगे। तो मैं तो करना भी चाहता था, पैसे भी इन्होंने मेरी मर्ज़ी के दे दिए, तो फिर ना करने का तो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक देखिए मैं ये कहूँगा कि बाजीराव अभी इस शो में बच्चा दिखाया गया, ये बाजीराव हमारे शो का हीरो है, तो बाजीराव के आने से पहले उसका प्रतिबिंब उसके पिता के अंदर दिख जाता है, क्योंकि बाजीराव की युद्ध शैली, बाजीराव की नीति, बाजीराव की जीवन शैली सब कुछ काफ़ी हद तक उसके पिता से प्रभावित थी, और दुनियादारी और जो बाकी चीज़ें हैं उसने अपनी माता से सीखी। तो मेरा प्रतिब मैं समझ लीजिए कि मैं बाजीराव का एक ट्रेलर, तो बाजीराव आपको कैसा दिखने वाला है, तो उनको वैसा कोई चाहिए था कि भाई हमें जो बाजीराव के आने से पहले बाजीराव जैसा लगे, तो वो है। उम्र थोड़ी कम होती तो मैं आप क्या बताना चाहेंगे, जब ये ऑफर हुआ आपको फर्स्ट रिएक्शन क्या कुछ था? मुझे भी अच्छा ही लगा, क्योंकि इस तरह के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने में अपने आप में एक मज़ा होता है, और करते करते आप भी कुछ सीख जाते हो। तो इस तरह का एक मराठी शो किया था जिसमें बाजीराव के बेटे का और बेटे बाजीराव की बहू का कैरेक्टर मैंने किया था, तो वो ए रहा था, तो तब तो थोड़ी इस इतिहास से, इतिहास के इस पन्नों से थोड़ी जान पहचान हुई थी, लेकिन इनकी फैमिली में इसके पीछे क्या हुआ है, इस जनरेशन में क्या हुआ है, ये तो इस शो के दौरान समझ में आया। तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट थी डेफिनेटली, और कॉस्ट्यूम ड्रामा था तो सजने धजने में तो अच्छा ही लगता है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी अच्छा लगा। ओके, ये शो या फिर इस कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट रहा है आपका, या फिर होगा क्या कुछ, आप बताना चाहेंगे? देखिए तैयारियां तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैं इतने सालों से रोल कर रहा हूँ कई तरह के, तो मैंने हर तरह के स्टंट्स भी सीखे हुए हैं, भाषा मेरी, मैं मेहनत की है भाषा के ऊपर, अभिनय उन लोगों को लगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो ये होता है कि किसी ने आपको बिना ऑडिशन के अगर ले लिया है तो आपको खुद ही बड़ा लगता है कि यार इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है मुझ पर और बोला है कि भाई हमारे फेस का पहला फेस आप हो गए, तो आपके ऊपर बड़ा ना, तो हमें भी लगता है कि भाई अब हम क्योंकि काफ़ी साल से काम कर रहे हैं तो अभी एक जिम्मेदारी आ जाती है आपके कंधों पे, तो आपको वही जिम्मेदारी दबा देती है। दूसरा, शूटिंग की जो हमारी सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में शूट करते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि ये लोग कभी भी अचानक से एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि आज आप डाकुओं को पकड़ रहे हो, और डाकुओं को पकड़ने के लिए आप जंगल में भाग रहे हो नंगे पाँव, कभी आप पत्थरों के ऊपर भाग रहे हो, उबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर भागना बहुत मुश्किल होता है, पैर टूट जाते हैं, आप गिर सकते हो, घुटने टूट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें। फिर यहाँ गर्मी है, कई बार 45 डिग्री में हम लोग 3-3 लेयर के कपड़े पहन के शूट कर रहे हैं, हमारे लिए भी, मैम के लिए, सबके लिए, तो वो सब में आपको अपनी परफॉर्मेंस को नहीं छोड़ना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप जो, क्योंकि लोगों के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इस कैरेक्टर के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत बड़ा जी टीवी का, हमारी स्मृति मैम का, बॉबी सर का, इन सब का बहुत महत्वाकांक्षी ये शो है, तो ऐसे शो के साथ लोगों की, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है बालाजी विश्वनाथ जो कि लोग जानते हैं, हिस्ट्री में उल्लेख है इनका, लोग इनके बारे में महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, मेंटल नोट बनाए होंगे, तो जिस जिसके मेंटल नोट पे मैं खरा नहीं उतरूंगा वो पत्थर मारेंगे। आपका क्या कुछ ऐसा नोट होता है जब हिस्टोरिकल शो की बात आती है? देखिए रोल एक हीरो का है, ही वॉज अ हीरो, मैं मुझे हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है उनको, वो तो एक्चुअली में हीरो है, तो उस हीरो की जो वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना ही सबसे बड़ी बात होती है, तो उसको हीरोइक दिखाना, एक होता है एफर्ट करना, अगर आपने प्रयास किया किसी को हीरो दिखाने का तो वो प्रयास विफल हो जाता है। आप एफर्टलेसली किसी चीज़ को कैसे हीरोइक दिखा सकते हो, मेरी कोशिश ये होती है कि बिना कोशिश के आपकी कोशिश दिख जाए। मैम आप क्या बताना चाहेंगे कि आपका कैसा है ये हिस्टोरिकल शो को लेकर आपके? मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज़्यादातर इस वाले शोज़ में होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेली सोप आप देखो तो डे टू डे लाइफ में क्या दिखाएंगे, मतलब हमारी लाइफ में भी हर रोज़ कुछ अलग नहीं होता,
लेकिन हिस्ट्री के जो पन्ने हैं इतिहास के, उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं हैं जिनका बेस लेकर ये शोज़ बनते हैं, तो उनका कुछ कहना होता है, उनका कुछ ग्राफ होता है और वो प्ले करने में मज़ा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए इस टाइप के शोज़ अच्छे बनते ही हैं और आपको सेटिस्फैक्शन भी देते हैं। या एंड लास्टली, आज टेलीकास्ट हुआ है आपका शो, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को आप? मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ऐसा शो देखने को मिल रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए और इसे भारत का नंबर वन शो बनाइए, और ताकि हम लोगों को और ऐसे और शोज़ बनाने का भी, और ऐसे और किरदार जो हैं हमारे इतिहास के पन्नों से, उन पर भी हम शो बना सकें। करेक्ट है, क्योंकि जो जिस मेहनत से और जिस लगान से हम लोगों ने काम किया है वो आपके आपके सामने हैं, तो आप अगर उसे देखेंगे, उसे पसंद करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और ये इक्वेशन बनती जाएगी। तो देखिए और पसंद कीजिए। थैंक यू सो मच।